हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोनिका। फ्रेंड्स, आज हम लोग जिस अमेरिकन ब्रिटिश ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, उनका नाम है हेनरी जेम्स। टाइम पीरियड रहा है 1843 से 1916 तक। आइए जान लेते हैं हेनरी जेम्स के बारे में, इनकी बायोग्राफी। हेनरी जेम्स का जन्म हुआ था न्यूयॉर्क में, अमेरिका में, पर ये शिफ्ट हो गए थे बाद में ब्रिटेन में। वो अपने नॉवेल्स के कारण बहुत ही बेस्ट नोन रहे हैं। नॉवेल्स उनके रिलेटेड रहे हैं सोशल और मटेरियल टॉपिक से। और जो अमेरिकन्स एमर्ज हो गए हैं, जो शिफ्ट हो गए हैं अमेरिकन्स, उनके बारे में उनके नॉवेल्स रहे हैं। हेनरी जेम्स को एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंजरी हो गई थी उनकी बैक में, जिसके कारण वो अमेरिकन सिविल वॉर में हिस्सा नहीं ले पाए थे। हेनरी जेम्स 1869 में लंदन में शिफ्ट हो गए थे। जेम्स अपने पूरे टाइम पीरियड में अनमैरिड रहे, उन्होंने कभी भी मैरिज नहीं की। जेम्स का एक नॉवल था गाय डोमवली, जो ड्रामा था, वो बहुत फ्लॉप हो गया था स्टार्टिंग के टाइम में, जिसके कारण हेनरी जेम्स एक ट्रॉमा में चले गए थे। पर वो नॉवल बाद में बहुत फेमस हुआ और वो ट्रॉमा से बाहर भी आ गए। हेनरी जेम्स ने बल्जैक को अपना ग्रेटेस्ट मास्टर कहा है, और हेनरी जेम्स की बायोग्राफी लिखी है लियोन एडन ने। फ्रेंड्स, इसका एक नॉवल है, जान लेते हैं उसके बारे में। नॉवल है डेजी मिलर। नॉवल की समरी देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डेजी मिलर के बारे में जान लेते हैं। ये कॉर्नहिल मैगजीन में फर्स्ट टाइम 1879 में पब्लिश हुआ था, और इस नॉवल ने हेनरी जेम्स को बहुत ज़्यादा उपलब्धियों के शिखर पे पहुंचा दिया था। स्टोरी जान लेते हैं। स्टोरी शुरू होती है विंटरबर्न से। विंटरबर्न नाम का एक 27 साल का युवक है, जो कि जेनेवा में रहता है और बहुत ही खुश मिजाज जिंदगी जी रहा है। उसका अफेयर अपने से बड़ी एक एज की लेडी के साथ है। वो एक दिन अपनी आंटी से मिलने के लिए, उसकी आंटी का नाम है कोस्टेलो, वो एक दिन अपनी आंट कोस्टेलो से मिलने के लिए स्विट्ज़रलैंड जाता है। तो उनकी आंट जहाँ रहते हैं स्विट्ज़रलैंड में, वहीं पास में डेजी मिलर उसे मिलती है। डेजी मिलर उसके भाई के थ्रू जान पहचान होती है उनकी आपस में। जब वो बैठे होते हैं विंटरबर्न एक पार्क में, तभी उनका भाई रेंडोल्फ वहाँ खेलते हुए आ जाता है, जो कि 9 साल का है, और उसे शुगर क्यूब्स की डिमांड करता है। विंटरबर्न उसे समझाते हैं कि तुम्हें शुगर क्यूब्स नहीं खाने चाहिए, क्योंकि ये सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते। पर रेंडोल्फ उनसे कहता है कि आपके यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड में अच्छी शुगर कैंडीज़ नहीं मिलते हैं, इसके लिए वो शुगर क्यूब्स खा रहा है। इतनी देर में वहाँ पर डेजी मिलर आ जाती है, और वो रेंडोल्फ को ढूंढते ढूंढते वहाँ आई है। तभी डेजी मिलर और विंटरबर्न आपस में एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और आपस में बात करना शुरू करते हैं। उसके बाद में विंटरबर्न डेजी मिलर से बात करता है, और उस डेजी मिलर उसे बोलती है कि उसे एक बातों ही बातों में वो उसे बताती है कि उसे एक कासल है, जो कासल ऑफ चिलॉन, उसे वो बहुत पसंद है और वो उसे देखने जाना चाहती है, जो कि उस नदी के पार है। और विंटरबर्न डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम दोनों एक साथ चलेंगे। तभी वो लड़की वहाँ से चली जाती है। विंटरबर्न आके अपनी आंटी से बताते हैं, उनकी आंटी कोस्टेलो से, कि ऐसे मुझे एक डेजी नाम की लड़की मिली, जो कि बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट है, और वो मेरे साथ घूमने जाना चाहती है। तभी उनकी आंटी कोस्टेलो बोलती हैं कि वो बहुत ही टेरिबल लड़की है, वो तुम्हें कासल ऑफ चेलॉन में लेके जाना चाहती है, तुम्हें वहाँ उसके साथ नहीं जाना चाहिए, वो बहुत ही ज़्यादा चीप लोग हैं, वो लोग अपने सर्वेंट्स के साथ भी ऐसे बिहेव करते हैं जैसे वो उनके फैमिली मेम्बर हैं, और वो लड़की बिल्कुल भी तुम्हारे लायक नहीं है। बट विंटरबर्न को वो बहुत ही इनोसेंट लगती है। नेक्स्ट डे जब उनके मिलने का टाइम तय होता है, नेक्स्ट डे वो डेजी मिलर से मिलता है, और डेजी मिलर के जो मदर हैं मिसेस मिलर, उनसे कहता है कि आपको भी हमारे साथ में घूमने चलना चाहिए। तो मिसेस मिलर बोलती है, नहीं तुम दोनों जाओ, और मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ तुम्हारे साथ जाने के लिए, थैंक यू सो मच। तब विंटरबर्न अपने माइंड में सोचता है कि मतलब ये कैसी फैमिली है जो अपनी
बच्चों को, अपनी डॉटर को ऐसे किसी भी अजनबी के साथ अकेले भेज देती हैं जिनको कोई परवाह नहीं है, जिसको कोई डर नहीं है और वो एकदम अनसेफ है, फिर भी ये फैमिली बिल्कुल भी चिंता नहीं कर रही और एकदम से ऐसे अलाव कर रही है। 2 दिन के बाद में वो लोग कासल देखने के लिए निकल जाते हैं। पूरा रास्ता ट्रिप पे विंटरबर्न को ऐसा फील होता है कि ये बहुत ही रोमांटिक ट्रिप है, जबकि डेजी मिलर वॉज वेरी नॉर्मल और उसे ऐसा कुछ भी नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ रोमांटिक है। और डेजी मिलर एकदम नॉर्मल तरीके से बैठी होती है और एकदम नॉर्मली वो ट्रिप इंजॉय करती है। इसके बाद में वो दोनों वहाँ से घूम के वापस आने को होते हैं, तभी विंटरबर्न डेजी मिलर को बताता है कि उसे अभी वापस रोम जाना होगा, सॉरी उसे वापस अभी अपने यहाँ पे जेनेवा में जाना है। और डेजी मिलर उसे बताती है कि उन्हें भी घूमने के लिए रोम जाना है, रोम एक बहुत अच्छी जगह है, वो उसे देखना चाहती है। जनवरी में डेजी मिलर रोम चली जाती है और विंटरबर्न वापस अपना जिनेवा लौट आता है। डेजी मिलर उसे जाने से पहले ये प्रॉमिस लेकर गई है कि वो उससे मिलने रोम आएगा। अब विंटरबर्न बिल्कुल भी वेट नहीं कर सकता तो वो डेजी मिलर से मिलने रोम जाता है। बहुत एक लंबा सा रास्ता तय करके विंटरबर्न डेजी मिलर से मिलने जाता है। विंटरबर्न ने अपने माइंड में ऐसा सोचा था, ऐसे थॉट थे, विंटरबर्न इमेजिन करता है कि डेजी मिलर किसी खिड़की में बैठ के उसका बेसब्री से इंतज़ार कर रही होगी, जबकि वो वहाँ जाके देखता है तो ऐसा कुछ भी नहीं था। डेजी मिलर एक और नए यंग इटालियन लड़के के साथ जिसका नाम था जियो वेनेली, उसके साथ वो घूम रही होती है। विंटरबर्न को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो उसे ना मिलने की ठान लेता है। विंटरबर्न नेक्स्ट डे ये सोचता है कि वो यहाँ पे जो रोम में उसकी आंटी रहती है मिसेस वॉकर, फ्रेंड्स एक आंटी विंटरबर्न की रहती थी स्विट्ज़रलैंड में जिनका नाम था कोस्टेलो, एक आंटी है कोस्टेलो जिनका जो स्विट्ज़रलैंड में रहती हैं, और एक आंटी जो अभी उनकी रोम में रहती है उनका नाम है मिसेस वॉकर। तो विंटरबर्न सोचता है कि मैं मेरी आंटी मिसेस वॉकर से मिलके वापस चला जाऊँगा जिनेवा और मैं डेजी से बिल्कुल नहीं मिलने वाला हूँ। नेक्स्ट डे मिसेस वॉकर के घर पे विंटरबर्न जाता है, इतने में सरप्राइजिंगली वहाँ पे डेजी और उसकी मदर और उसके ब्रदर सब आ जाते हैं। अब वो बड़ा शॉक्ड है, डेजी उससे बोलती है कि तुम रोम में हो पर फिर भी मुझसे मिलने नहीं आए। अब विंटरबर्न उसे सफाई देता है कि मैं बस कल ही आया था वापस जिनेवा से। तो डेजी स्माइल करती है और मिसेस वॉकर ने पूरी फैमिली को, जो पूरी डेजी मिलर की फैमिली है, उसे अपने यहाँ पे इनवाइट किया है डिनर के लिए, इसलिए वो लोग वहाँ आए हैं। तो डिनर की डेट तय होती है कुछ दिनों के बाद, तो विंटरबर्न वहाँ से चले जाता है और डेजी बोलती है कि मुझे किसी और के साथ घूमने स्ट्रीट पे जाना है, रोड पे निकलना है। विंटरबर्न को ये बात बड़ी अजीब लगती है कि वो बोलता है कि तुम्हें इस तरह से रोड पे अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो डेजी उसे बताती है कि वो रोड पे अकेले घूमने नहीं जा रही है, वो जियो वेनेली के साथ घूमने जा रही है। विंटरबर्न बड़ा शॉक्ड होता है, उसे ऐसा लगता है कि उसे जियो वेनेली के साथ नहीं जाना चाहिए। वो मिसेस वॉकर से इस बारे में बात करता है। मिसेस वॉकर जो कि आंटी है विंटरबर्न की, बहुत समझाती है डेजी को कि तुम्हें इस तरह से लड़कों के साथ रात को बाहर नहीं घूमना चाहिए, यहाँ पे रोम में ऐसा कल्चर नहीं है। अमेरिका में इस टाइप के कस्टम्स फॉलो होते होंगे बट रोम में ऐसा नहीं है, लोग तुम्हारे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। पर डेजी सब कुछ इग्नोर कर देती है और वो कहती है उसे इन सब चीज़ों की परवाह नहीं है। मिसेस वॉकर उन्हें बताती है कि तुम्हें अपनी मदर के साथ घूमने के लिए जाना चाहिए, पर डेजी कहती है मेरे मदर कभी भी इंटरेस्टेड नहीं है घूमने के लिए। अब डेजी मिलर फाइनली उसके साथ घूमने निकल जाती है और विंटरबर्न डिसाइड करते हैं कि वो डेजी से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। कुछ टाइम के बाद में सर्दियों में डेजी मिलर एक बार जियो वेनेली के साथ घूम रही होती हैं, इतने में विंटरबर्न वहाँ से गुजरते हैं पर वो इग्नोर कर देते हैं उसे। उसके बाद विंटरबर्न नोटिस करते हैं कि ये तो सर्दियों की बहुत ठंडी रात है और
इस टाइम पे रोमन फीवर नाम का एक फीवर फैला होता है जिसे मलेरिया कहते हैं। तो वो जो रोमन फीवर है वो फैला हुआ है। अगर डेजी इतनी रात तक बाहर रहेगी तो उसे रोमन फीवर हो जाएगा। तो डेजी को ऐसा समझाने के लिए विंटरबर्न वापस आ जाते हैं, पर डेजी नहीं मानती। इतनी देर में विंटरबर्न बहुत फोर्सफुली कहते हैं कि जियॉन विली को अब कोई ना कोई व्हीकल लेके आना चाहिए और उन दोनों को अब वापस जाना चाहिए अपने होटल पे, अदरवाइज डेजी मिलर बहुत बीमार हो जाएगी। अब जब जियॉन विली कोई व्हीकल लेने गए तो डेजी उन्हें बताती है कि शी गॉट इंगेज्ड विद जियॉन विली, और विंटरबर्न कहते हैं कि मुझे अब इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मैरिड हो या इंगेज हो, मुझे इस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तब वहाँ से जियॉन विली और डेजी चले जाते हैं। एक हफ्ते के बाद में लगभग ये पता चलता है कि डेजी बहुत तेज़ बीमार हो गई है और उसे रोमन फीवर हो गया है। विंटरबर्न ये बात पता लगने के बाद में डेजी से मिलने के लिए उसके होटल जाते हैं। डेजी अभी वहाँ पे बेहोशी की हालत में है और मिसेस मिलर उन्हें बताती हैं कि वो पूरे बुखार की हालत में भी तुम्हें याद करते रही और बार बार एक मैसेज देने के लिए उन्होंने कहा कि मैं डेजी का ये मैसेज तुम्हें दूँ कि डेजी ने इंगेजमेंट नहीं की थी और उसे वो कासल के दिन वहाँ जब वो घूमने गए थे वो बहुत अच्छे से याद है। विंटरबर्न बहुत सैड होता है ये सारी चीज़ें सुन के, और एक हफ्ते के बाद में लगभग डेजी की डेथ हो जाती है। अब डेजी को कब्र में दफनाने लेके जाया जाता है तो वहाँ पे वो सारे लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है जो कभी डेजी से नफरत करते थे और उसे एक बहुत ही गलत लड़की मानते थे। वहाँ पे जियो वेनली विंटरबर्न की साइड मुड़ता है और उन्हें कहता है कि जो डेजी मिलर थी बहुत ही इनोसेंट लड़की थी, शी वॉज़ वेरी इनोसेंट। तब विंटरबर्न को बहुत गुस्सा आता है। उन्होंने कहा वो इनोसेंट थी फिर भी तुम उसे वहाँ पे रोमन फीवर में लेकर गए रात को, तभी उसे इतना फीवर हुआ, तभी आज उसकी डेथ हुई। जियो विली कहता है कि मेरा कोई भी कुछ फोर्स नहीं था उसके ऊपर, उसने मेरी बात मानी ही नहीं और वो अपनी मर्जी से फोर्सफुली मुझे वहाँ पे लेके गई थी। इसके बाद विंटरबर्न बहुत दुखी होता है और वापस जिनेवा लौट जाता है। जिनेवा में वो अपनी एक आंटी से मिलता है कॉस्टेलो, और उनको बताता है डेजी मिलर के बारे में और कहता है कि डेजी मिलर हमेशा से चाहती थी कि मैं उसकी रिस्पेक्ट करूं, पर कॉस्टेलो उनसे ये कहती है कि क्या वो ये चाहती थी कि तुम उसकी रिस्पेक्ट करो या फिर वो ये चाहती थी कि तुम उससे लव करो। इस बात पे विंटरबर्न एकदम चुप्पी साध लेता है और एक डीप साइलेंस में चले जाता है। इसके बाद विंटरबर्न हमेशा के लिए जिनेवो लौट जाता है और अपने घर जिनेवो में रहता है और वो डेजी को कभी भूल नहीं पाता। फ्रेंड्स, ये थी स्टोरी डेजी मिलर की। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलिएगा। ऐसे ही नई स्टोरीज के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू सो मच।